हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है केस सीरीज में। और आज मैं डिस्कस करूंगा कि इस बकरी के बच्चे के साथ क्या हुआ है। आखिर ये बच्चा जो है पीछे से चल क्यों नहीं पा रहा है, इसकी समस्या क्या है, और इसको किस तरह से आप डायग्नोस करेंगे, और इसका इलाज बेहतर से बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। ये केस जो है मुझे पाकिस्तान से शेयर किया गया था और उन्होंने मुझसे एडवाइस मांगा था और मैंने उन्हें एडवाइस किया, और फिर उसका जब हमने डायग्नोसिस किया और उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो बिल्कुल ही मिराकुलस उसमें इम्प्रूवमेंट उनको देखने को मिला, और जो किसान था वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो आइए सबसे पहले मैं ले चलता हूँ जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, उन्होंने शुरुआत में इससे क्या सस्पेक्ट किया और क्या बताया, और फिर इसका क्या इलाज किया। तो सर, ये एक मेमनी है तकरीबन 2-2.5 माह के। तो इसका यही मसला है, पिछली टांगों पे ना बिल्कुल डॉग सिटिंग पोस्चर है इसका, और बार बार यूरिनेट कर रही है, और जो डिजिट्स हैं ना इसके पिछले वो भी पीछे को हो जाते हैं, और इसी तरह डॉग पोस्चर में रहती है। और मालिक जो है वो कहते हैं किसी ने मारा है, बस अचानक मिली है ऐसे ही सूते हम। सर, ये किड जो है ये अब चलने लग गए माशाल्लाह। वो वीडियो मैंने आपकी देखी थी, इसकी जान बच गई है। वो तो उन्होंने तो बड़ी लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ की हैं कि इसे मारा है किसी ने, तो अब माशाल्लाह बेहतर है। आपको दुआएं दे रहे थे। तो इस केस को हमने एंजियोटिक एटैक्सिया या स्वैबैक डिजीज जिसे कहते हैं कॉपर डिफिशियंसी के लिए सस्पेक्ट किया है। और वो जो किड था विद इन फ्यू डेज बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और इसमें होता भी है, कॉपर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो कॉपर डिफिशियंसी या एंजियोटिक एटैक्सिया या स्वैबैक डिजीज जो कहते हैं, ग्रोइंग जो किड्स होते हैं इनका एक कॉमन प्रॉब्लम है, और फील्ड में आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। अगर कॉपर डिफिशियंसी है तो और भी तरह की समस्याएं होती है, जैसे जो किड्स हैं उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, उनका हेयर कोट नॉर्मल नहीं रहता है, और कभी कभी ये कंजेनाइटल होता है, तो बर्थ के बाद ही किड्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना हो चाहिए कि आखिर किड खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉपर जो डिफिशियंसी है, कंजेनाइटल है, जो किड्स में होता है, वो सिमिलर सिम्टम्स लाता है जैसा कि रिकेट्स में आता है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि होता क्या है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस करता है, जॉइंट्स का स्वेलिंग कराता है, जॉइंट्स पे ब्लीडिंग आती है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिकेट्स में भी मिलती हैं। लेकिन टिपिकली अगर आप देखेंगे तो जो कॉपर डिफिशियंसी है वो 2 से 3 महीने के किड्स में होता है, ग्रोइंग जो किड्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, और फिर ये इसमें एक टिपिकल पैरालिसिस आती है जिसे स्पास्टिक पैरालिसिस कहते हैं, यानी कि पीछे का जो पैर है उसको खींच के चलता है, या आप जब देखेंगे शुरुआत में तो पीछे से जो बच्चा है वो लहरा के चलता है, पीछे से स्वाय करता है, उसको लगता है कि इधर उधर डोल रहा है, और लेकिन आगे के पैरों में उसकी ताकत रहती है। और जब क्रोनिसिटी बढ़ती है तो जैसे ये बकरी ड्रैग करके चल रही, पीछे का पूरे का पूरा पार्ट जो है उसे ड्रैग करती है, तो ये टिपिकल इंडिकेट करता है कि आप कॉपर डिफिशियंसी के लिए इसे सस्पेक्ट करें। एक चीज और, कॉपर में आप देखेंगे कि जब कॉपर डिफिशियंसी होती है तो एनीमिया होती है। एक्चुअली ये बोन मैरो में आयरन के यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए जो एनिमल होता है एनीमिक होता है। या कॉपर डिफिशियंसी होगी तो वहाँ ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो बोन में डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल सकती है। कॉपर डिफिशियंसी के कई कारण हो सकते हैं, या तो जो माँ है उसकी डैम है वो कॉपर डिफिशियंस डाइट पे है। जनरली आप देखेंगे तो सीजनल भी होता है, जब समर और स्प्रिंग सीजन रहता है तब इसकी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय कॉपर कंटेंट जो ग्रास का होता है वो कम होता है, ग्रेजिंग करने के लिए जब एनिमल जाता है, तो गर्मी के दिनों में ये समस्या ज़्यादा मिलती है, उसकी माँ से बच्चा जो पैदा होगा गर्मी के दिनों में उसमें ये समस्या होने की संभावना रहती है। या आपके सोयल में सल्फर ज़्यादा है या मोलिब्डेनम ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी सेकेंडरी कॉपर डिफिशियंसी हो जाती है। तो डेफिशियंसी अगर आपके फार्म में बार बार इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए, आपके डाइट में क्या इंक्लूजन करना है, यानी कि जो उसकी मदर है उसके डाइट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट या कॉपर के जो सप्लीमेंट्स हैं, मिनरल मिक्सचर जो आते हैं, उनको एड ऑन करना होगा प्रेगनेंसी में, जिससे कि उसके बच्चे को ना हो। अब अगर बच्चे को हो गया है तो इलाज क्या करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप सिंपली अगर आप कंफर्म कर लेते हैं कि ये कॉपर डिफिशियंसी है तो आपको कॉपर का सप्लीमेंट करना है। कॉपर के कई तरह के सप्लीमेंट आते हैं, अगर किड्स में अगर आप देखें तो ओरल सिंगल डोज ऑफ कॉपर सल्फेट भी आप दे सकते हैं, जो
किड्स में या गोट में जो सप्लीमेंटेशन सिंगल डोज का है कॉपर का है वो 35 mg पर केजी वेट के हिसाब से दिया जाता है। इससे ज़्यादा नहीं देंगे आप, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी भी होती है और इसको रिपीट नहीं करना है। सिंगल डोज दीजिए आप, और उसके बाद आप उसके एडिशन में विटामिन B12 का ऐड कीजिए, क्योंकि जो कॉपर है ये नर्व के माइलिन सीथ को डैमेज करता है। तो कॉपर के चलते अगर माइलिन सीथ डैमेज है तो वहाँ पे B12 अब अगर आप ऐड करेंगे तो जल्दी से न्यूरो रिजनरेशन होता है और जो किड है वो जल्दी से ठीक हो जाता है और नॉर्मल चलने लग जाता है। तो B12 के साथ में कॉपर सल्फेट आप ओरल सिंगल डोज दे सकते हैं। दूसरे फॉर्म जो आते हैं इंजेक्टेबल कॉपर्स के भी सप्लीमेंट आते हैं आजकल, इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल्स आते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल्स में 4 तरह के मिनरल होते हैं, कॉपर, जिंक, मैंगनीज और सेलेनियम रहता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जनरली मोस्ट कॉमन जो है वो 15 mg कॉपर कार्बोनेट पर ml होता है, लेकिन ये इंजेक्टेबल है तो आपको इसको डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस डोज के अनुसार से नहीं दे सकते हैं जिस डोज के अनुसार से ओरल आप देते हैं। यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 0.25 ml इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल का सबक्यूटेनियस रूट से सिर्फ एक बार लगाएं, सिर्फ एक बार ही लगाना है। ये 90 डेज तक बॉडी में रहता है, अगर आप रिपीट करेंगे तो फिर यहाँ भी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। उसी तरह से अगर आप चाहें तो कॉपर ग्लाइसिनेट के जो इंजेक्शन आते हैं उनको भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। ओरल मार्केट में अगर आप इंडिया में देखेंगे तो कॉपर, कोबाल्ट और आयरन का प्रिपरेशन अवेलेबल है टैबलेट के फॉर्म में, तो उसका भी रिकमेंडेड डोज पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर डेफिशिएंसी के जो भी किड्स हैं उनका इलाज कर सकते हैं। अगर फार्म में इस तरह का आउटब्रेक के रूप में भी मिलता है तो जनरलाइज थेरेपी आपको करनी पड़ती है। तो सिर्फ इसमें आपको कॉपर सप्लीमेंट करना है, और उसके एडिशन में अगर आप B12 का इंजेक्शन देते हैं 5 से 10 दिन तक लगातार B12 अगर आप देते हैं तो जो किड है वो इमिडिएटली इम्प्रूव हो जाता है और नॉर्मल चलने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो गोट फार्मर्स के लिए और जो गोट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व लोग हैं उनको जरूर मदद करेगा, और स्वैबैक डिजीज और अटैक्सिया से सफर कर रहे किड्स को आप पहचान पाएंगे और उनका सही इलाज कर पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।